यस वेलकम टू मैथ्स मैजिक अकैडमी फ्रेंड्स, असी करते पे हैं इस चैनल से पी एस टैट की तैयारी। मैथ्स का टॉपिक असी शुरू किए हुए पी एस टैट पेपर वन ना, जिहड़ा मैथ्स आ उहदी साडी क्लासिस रैगूलर चलदियां पईआं आ। ठीक है, साडियां 16-17 दी क्लासिस लग चुकियां आ। असी अगला टॉपिक करना आ, असी टॉपिक शुरू किया सॉलिड अराउंड अस, उहदे विचों क्यूब ते क्यूबॉइड असी उस दिन कर ले सी। अज साडा टॉपिक रहेगा सिलेंडर एंड कोन। ठीक है जी, सिलेंडर एंड कोन। ठीक है, असी अज इन्हां दे फॉर्मूले करांगे, थोड़े बहुत इन्हां दे जिहड़े सम हैगे आ बेसिक दे, सिंपल सिंपल सम ही सानू पेपर च आंदे, ज़्यादा लेंथी सम या इहदा हाई लैवल दा जिहड़ा सम पेपर वन दे विच नहीं होना। ठीक है, तो सिंपल सानू दे फॉर्मूले आने चाहिए, इहदे बारे सानू नॉलेज होनी चाहिए आ। ज़्यादातर थ्योरी का क्वेश्चन ही बन जाता भी ये किन्ने आ किन्ने किन्ने किस तरह आदि बारे पूछा जाता साढ़े को। ठीक है जी, सब तो पहला सिलेंडर, सानू सिलेंडर की फॉर्म पता होनी चाहिए आ। सिलेंडर हूँ किदा दा है साढ़े को सिलेंडर। ठीक है जी, सिलेंडर की की खासियत आ, जिन्ना उपरों होना आ उन्ना ही थल्ले होना आ। एक सिलेंडर बनता ना, एक इतने आ सिलेंडर आ, ये उपर दो सर्कल बनते हैं, ये उपर ढक्कन है ना, कोई भी बाल्टी ऑबजर्व कर लो, ढक्कन देखो उपर बंद करना, ढक्कन वह गोल ही होगा ना। सिलेंडर उपरों भी तो थल्यों भी बराबर होने चाहिए, ता ही सिलेंडर आ। अगर उपरों थल्यो छोटा व्डा हो जाता ना, फिर यह सिलेंडर नहीं रहना, फिर इन्हें फ्रस्टम बन जाना। ठीक है जी, फिर इन्हें सिलेंडर नहीं रहना, इन्हें की बन जाना, फिर फ्रस्टम बन जाना है। वो सारे टॉपिक साढ़े सिलेबस का नहीं, आप बारे गल नहीं करनी। ठीक है, हुण है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तीन गल्लां चलदियां आ। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, नैक्सट है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एक है साढ़े को वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। असी तीन चीज़ों की गल करनी आ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। पहले थोड़ा थोड़ा दसवां, कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कदों करना, टोटल सरफेस एरिया जदों सिलेंडर की गल हुंदी पई आ, पर ये खुले की गल हुंदी पई आ, ना ये उपर कुछ हैगा ना ये थले कुछ हैगा, ना ये उपर कुछ हैगा ना ये थले कुछ हैगा। उन्होंने असं की बोलते हैं, वह कर्व सरफेस एरिया, पेंट मान लो करना है ना, उपर उपरों करना ना थल्यो करना, ऑबजर्व करो उपरों की हथ पाइए थल्यो साडा निकल जाए, मतलब खुला आ। उदे जो पेंट करन दी गल आउंदी पई, तां असीं तां कर्व सरफेस एरिया लभदे हां उस टाइम ते। टोटल सरफेस एरिया सेम उही कॉन्सैप्ट आ, करना पेंट आ, पर उपरला ढक्कण ते थल्लेला ढक्कण दोनों विच इनकलूड करने आ। वॉल्यूम दे विच देखना इहदे अंदर स्पेस किन्नी आ, जगह किन्नी आ, जदों अंदरली आ चीज़ आ गई ना स्पेस, उस टाइम से असी फाइंड आउट करना है वॉल्यूम। ठीक है, सिलेंडर बारे दस्या तुहानू एच होंगी आ, ये किन्ने सर्कल पाए जाते हैं, दो सर्कल, एक उपर एक थले, पूरे का पूरा डायामीटर होंगे इतों लैके तक आर, उपर भी एक आर हैगी थले भी साढ़े को एक आर, आ जी लाइन हैगी है, मेरे को हैगी एच। ठीक है जी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है साढ़े को 2πRH, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का साढ़े को फॉर्मूला होंगे 2πRH, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला है साढ़े को 2πR ब्रैकेट च आर प्लस एच। ठीक है जी, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का साढ़े को फार्मूला होंगे पाई आर स्केयर एच। ठीक है जी, पाई आर स्केयर एच, इन्ना है साढ़े को। तीन है साढ़े को फॉर्मूले, बाकी ये पूछा जा सकता हाइट बारे रेडियस बारे, वो तुम्हें जिन्हें एक दो गल्लां सी मैं दस चुकी हाँ। तो अगला है ये असं सिंपली ये थोड़े जे सम करांगे, हुण एक एक सम ही मैं दवांगी, कर्व सरफेस एरिया का भी, टोटल सरफेस एरिया का भी, तो वॉल्यूम का भी, और सिंपल सम होगा, ज़्यादा कुछ नहीं सू पुछया जाता, बहुत ही गलत डायामीटर दे देंगे। डायामीटर से रेडियस का असं रिलेशन देख चुके हैं कि जिहड़ा डायामीटर हाफ कर दी तो साढ़े को बनता है रेडियस। सब तो पहला साढ़े को क्वेश्चन आ, फाइंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हूज डायामीटर इज 14 सेंटीमीटर। डायामीटर सानू कितना दिता हुआ 14 सेंटीमीटर। ठीक है जी, डायामीटर 14 आ, तो साढ़े को रेडियस कितना होना आ, रेडियस लिए असी की करना डायामीटर 2 ना असी की कर देंगे डिवाइड, मतलब 14/2 साढ़े को कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, साढ़े को कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है जी, उस तो बाद हुण असीं इत्थे लगावांगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का साढ़े को असी की फॉर्मूला लर्न किया,
कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला साढ़े को है 2πRh, 2π की वैल्यू 22/7, आर है साढ़े को 7 एंड एच एक वैल्यू जी उपर ली है साढ़ा सम मिस हैगा है, पूरा नहीं लिखा। फाइंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हूज डायामीटर इज 14 cm एंड हाइट इज 10 cm। ठीक है जी, कंप्लीट कर लेना, इतने तक साड़ी स्टेटमेंट ही आ। हाइट कि नहीं हैगी साड़ी कोल 10 cm, 7 है 7 की हो गया साड़े कोल कट। 2 × 22 × 10, 22 ना किता आ गया 44.0 cm दी स्केयर। ठीक है जी, इतने मैं की फाइंड आउट किया आ, मैं ये फाइंड आउट किया आ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यही स्टेटमेंट लैके हूँ मैं इतने कढ़न लगी हाँ यदा टोटल सरफेस एरिया, स्टेटमेंट सेम ही आ, इको स्टेटमेंट अस तीनों सम करते पे हाँ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मैं उही वाली उपर वाली स्टेटमेंट लै रही हाँ, स्टेटमेंट लिए तुसी लिख लो स्टेटमेंट की सी इहदी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है साढ़े को 2πR ब्रैकेट च आर प्लस एच, की फॉर्मूला असी याद किया 2πR ब्रैकेट च आर प्लस एच, ये है साढ़े को फॉर्मूला यदा 2πR ब्रैकेट च आर प्लस एच। पाई की वैल्यू कितनी है साढ़े को 22/7, रेडियस साढ़े को कितना है 7, इतने है साढ़े को 7, एच है साढ़े को 10। ठीक है जी, 7 है 7 कितना हो गया साढ़े को कट, 22 नू 2 ना मल्टीप्लाई किया 44, 10 ते 7 कितना हो गया साढ़े को 17। ठीक है जी, हम असी 17 नू 44 दे नाल करांगे मल्टीप्लाई, 7 × 4 = 28, 4 × 1 = 4, 5, 6, 7 × 4 = 28, 4 × 1 = 4, 5, 6, 8 + 6 साढ़े को कितना हो गया 14, 6 + 1 हो गया 7, ये साढ़े को बन गया 748 cm दी स्केयर। ठीक है जी, ये मैं इतने का फाइंड आउट किया है टोटल सरफेस एरिया। थोड़ा कल च करते पे कि भी तुम्हें कैलकुलेशन गड़बड़ लगती है, तुम्हें उन्होंने आप सैट कर लेना है। ठीक है जी, उस तो बाद असं अगे करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का साढ़े को फॉर्मूला की है पाई आर दी स्केयर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का असी किहड़ा फॉर्मूला किया होया पाई आर दी स्केयर एच। ठीक है जी, पाई साढ़े को 22/7, रेडियस का स्केयर, रेडियस का स्केयर मतलब आर का स्केयर, आर मेरे को कितनी है 7 का स्केयर, हाइट है साढ़े को 10, इतने आ गया 22/7, 7 साढ़े को कितनी बार हो गया 2 बार, इतने एक साढ़े को 10। ठीक है जी, 7 के नाल 7 असी कट कर दिता, 22 नू असी कादे नाल मल्टीप्लाई करांगे, इतने 7 आ, फिर उन्होंने करांगे असी 10 ना, 22 नू करना 7 आ, 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14 ते 1 = 15, इतने हो गया साढ़े को 1 × 5 = 4 × 10, इतने आ गया साढ़े को 1 × 5 = 40 cm की क्यूब, जिहड़ी वॉल्यूम की डिमेंशन आ क्यूब हुंदियां आ, ते जिहड़ा एरिया है उहदी डिमेंशन असी रखनी हुंदी है स्केयर। ठीक है, पैरीमीटर की नहीं हुंदी, कर्व सरफेस एरिया की स्केयर, वॉल्यूम की साढ़े को कितनी हुंदी आ क्यूब। ठीक है जी, ये जिहड़े साडे कॉन्सैप्ट आ दोनों दे दोनों असी सिलेंडर दे साडे ओवर हो चुके आ, हुण असी गल करनी हैगी आ कोन दी, चलते हैं असं अपने अगले टॉपिक कोन वल। थोड़ा इतों पहले असं कर लें रब, फिर असं अगला टॉपिक जोड़ा कोन का शुरू करा। फ्रेंड्स वो ही साड़ी काफ़ी वीडियोज़ इतने जीडियाँ इन प्लेलिस्ट अपलोड है, पहले पेपर 1 के मैथ्स हाँ, अगर कोई नवा है तुम उतों लै सकते हैं वीडियोज़। ठीक है जी, तो जी पेपर 2 दीडियोज़ उन्हों की भी लिस्ट बनी हुई आ प्लेलिस्ट, तो जब तक नवी वीडियोज़ नहीं आदियाँ तुम तद तक वो यूज़ कर सकते हैं, कि मैं बार बार कह रही हाँ कि बेसिक दीडियोज़ उही असं यूज़ करनिया है, नवी बेसिक दीडियोज़ नहीं आनगियाँ, सिर्फ पेपर स्टाइल MCQ ही आनगे। ठीक है जी, अगर चंगा लगता है चैनल में सबसक्राइब जरूर करो, वीडियो में लाइक एंड शेयर जरूर कर दो, ज़्यादा तो ज़्यादा जाने तक इन्हों का जोड़ा रिस्पोंस है, इन्हों का बेनीफिट ज़्यादा तो ज़्यादा जाने लै सकन। ठीक है जी, कौन है साढ़े को, कौन की शेप होंगी है। ठीक है जी, ए है ये साढ़े को हाइट, ए है साढ़े को स्लैंट हाइट, आ है यदा रेडियस, हाइट स्लैंट हाइट रेडियस, ए की है हाइट, की है स्लैंट हाइट, ए की है साढ़े को रेडियस। ठीक है जी, की है साढ़े को इतने कोण, ए है वो हाइट जी तिरछी ऊंचाई टेढ़ी वाली होंगी है स्लैंट हाइट, एल यूज़ करते हैं, ए है साढ़े को आर रेडियस,
कोन दे पहले तीनों सी फॉर्मूले है जिन्हां दी असीं गल करांगे। कोन दे विच सब तो पहला स्लैंट हाइट एल कढ़न दा फॉर्मूला साडे कोल की हुंदा, एच दी स्केयर प्लस आर दी स्केयर, ठीक है जी। उस तो बाद असीं करना है इहदा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है जी। सिलेंडर टॉपिक असीं कर लिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ असीं हुण कोन करना है। इहदा फार्मूला है साडे कोल पाई आर एल। थर्ड ते असीं करना टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, इहदा फार्मूला है साडे कोल पाई आर ब्रैकेट चार प्लस एल। दैन फोर्थ नंबर ते असीं इहदा करना हैगा वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन दा साडे कोल फार्मूला है 1/3 पाई आर दी स्केयर एच, 1/3 पाई आर दी स्केयर एच, ठीक है जी। हुण असीं करांगे इहनां दे नाल दे जिहड़े अपने कोल हैगे आ इहनां दे थोड़े जिहे सम असीं करदे हाँ, तो उहदे नाल जिहड़ा टॉपिक साडा अज दा आया असीं इन्ना ही रखना आ, ते जिहड़े अगले दो टॉपिक हैगे आ उह अगली वीडियो दे विच तुहाडे तक पहुँच जाणगे, ठीक है जी। सम करदे हाँ, सानूं दित्ता होगा फाइंड कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ कोन स्टेटमेंट मैं फिर एक ही रखांगी, वो सारा कुछ फाइंड आउट कर देना सी। वैन रेडियस जिहड़ा है साडे कोल है 7 सेंटीमीटर, ते एल है साडे कोल स्टेटमेंट इत्थे मैं अपने को लै रही हाँ, इतना थोड़ी जी स्टेटमेंट होर हिसाब ना ले लेनी क्योंकि मुड़ के एच आ फिर वो साडा अंडररूट का कॉन्सैप्ट ना बन जाए क्योंकि पेपर वन के अंडररूट का जोड़ा कॉन्सैप्ट है और नहीं तो आऊगा। थोड़ी जी वैल्यू मैं इतने चेंज कर दें, इतने असी ले लें 3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इतने असी ले लें सलैंट हाइट यदि 5 सेंटीमीटर, ठीक है। या इतने तुम एच रखनी, एच रखनी एक चीज़ सानू बाद फाइंड आउट करनी पैनी है। सब तो पहले असं करते हैं इतने कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है साडे कोल पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है साडे कोल 3, तो एल है साडे कोल 5, ठीक है जी। करण नूं मल्टीप्लाई कटिंग कोई नहीं हो रही, 22, 5 3 15/7, 22 नूं असीं करांगे 15 दे नाल, 5 2 10, 5 2 10 ते 1 11, 1 2 2, 1 2 2, 2 1 3, 2 1 3, साढ़े को इतने कि बन गया 3 3 30/7 सेंटीमीटर दी स्केयर, ठीक है जी। इतने आंसर छड़ती पी हाँ, मैं चाहो तो तुम पॉइंटा दे कट सकते हैं, कैलकुलेशन कित लगती हो मैं दोबारा तो कह दिनी हूँ, आप सैट कर लेना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन है उस तो बाद साढ़े को पाई आर ब्रैकेट चार प्लस एल, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है साढ़े को 3, दैन मल्टीप्लाई 3, रेडियस 3 प्लस एल है साढ़े को 5, ये बन गया 22/7 मल्टीप्लाई 3 5 6 7 8। करो इन्हों मल्टीप्लाई 22 नू 3 ना किता 66 मल्टीप्लाई 8/7, हुण असीं करांगे 66 नू 8 दे नाल, फाइव 28/7 सेंटीमीटर दी स्केयर, ठीक है जी। ये है साडा जिहड़ा इत्थे पॉइंट, तुसी चाहो तो कढ सकते हैं। हुण असीं इहदा वॉल्यूम कढांगे, वॉल्यूम का फार्मूला है 1/3 पाई आर दी स्केयर एच, ठीक है जी। वॉल्यूम का की फार्मूला है साढ़े को 1/3 पाई आर दी स्केयर एच, पर इत्थे देखिया जावे ना मेरे कोल एच नहीं मेरे कोल हैगी ना, सिर्फ मैनूं एच फाइंड आउट करनी पैनी आ। एच का फार्मूला है साढ़े कोल, एच का फार्मूला है अंडर रूट च करना सी एल दी स्केयर माइनस आर दी स्केयर, ठीक है। अगर इधर एल फाइंड आउट करनी हो ना फिर ये प्लस का होंगे आ, अगर एच या आर इधर लैके आनी जी एल इधर आ तो अगे इतने माइनस ही लगेगी, फार्मूला उपर नहीं सी लिखिया तुसी उत्थे लिख सकते हैं। एच का है अंडर रूट च एल स्केयर माइनस आर दी स्केयर, उदी आर का बनना अंडर रूट च एल स्केयर माइनस एच दी स्केयर। एल दी स्केयर एल है साढ़े को 5 का स्केयर हो गया 25, आर का स्केयर है साढ़े को 3 3 9, कि आ गया इतने साढ़े को माइनस करके बन गया इतने 16, ठीक है जी 16 बन गया। एच मेरे को किन्नी बन गई 4 सेंटीमीटर, एच साढ़े को किन्नी हैगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है जी। उस तो बाद है साढ़े को वॉल्यूम ऑफ कोन का सी फार्मूला अप्लाई करना, हूँ 1/3 पाई आर दी स्केयर एच, 1/3 पाई दी वैल्यू 22/7, आर दी स्केयर, आर दी स्केयर है साढ़े को, आर है साढ़े को 3 मल्टीप्लाई 3, एच असी हुणे कढ़ी आ 4, 3 दे नाल 3 की हो गया कट,
ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 22 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 4 3 ਜ਼ਾ 12 ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 12 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ 22 ਨਾਲ 2 2 ਜ਼ਾ 4 2 1 ਜ਼ਾ 2 2 2 ਜ਼ਾ 4 2 1 ਜ਼ਾ 2 4 5 6 2 ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 264 ਬਾਏ 7 ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 264 ਬਾਏ 7 ਦੀ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਕਿਊਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੋਲੀਅਮ ਆ ਕੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਕਿਊਬ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋ ਟੋਪਿਕ ਕੀਤੇ ਆ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਕੋਨ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਬਾਕੀ ਫਰੈਂਡਸ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸਪੋਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਣਗੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆ ਅਗਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਸ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਟੋਪਿਕ ਦੀ ਆ ਜੂਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੀ ਐੱਸ ਟੈਟ ਪੇਪਰ 1 ਦਾ ਮੈਥ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ